लड़ाई इस सरकार के खिलाफ हमारा एक एजुकेशन का मॉडल है उसके लिए जो एक लड़ाई लड़ा है वो आज फिर से हम देख रहे हैं कि आप सब लोग जो यहाँ आए हैं आज फिर से एक बार उस लड़ाई में एक नई कड़ी जुड़ी है और आज फिर से यहाँ पे एक जो संघीय प्रशासन है और जो सरकार है वो फिर से आज समझ गई है कि जेएनयू से पंगा लेना क्यों भारी होता है। साथियों एक रोजमर्रा घटना हो गई पिछले 5 साल में संविधान पे हमला करना, हमारे देश के सेकुलरिज्म पे हमला करना, फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना और ये सब हो रहा है एक भाजपा की सरकार द्वारा, एक आरएसएस की सरकार द्वारा जो कह रहा है कि हम असली राष्ट्रवादी है और हम सब जो लोग आज यहाँ खड़े हैं वो हम सब लोग देशद्रोही हैं, आज हम सब लोग एंटी नेशनल है। तो आज इनको बता देते हैं कि असली एंटी नेशनल कौन है, वो कौन लोग हैं जिसने इस देश को 47 में एक इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को कभी माना ही नहीं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने कहा कि संविधान की जगह मनुस्मृति को होना चाहिए। ये आज ये लोग जो देश को आज भी बांट रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, जो असली टुकड़े टुकड़े गैंग खुद है वो आज हम लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है, कितने शर्म की बात है। आज जो हम लोग यहाँ है, आज जो भाजपा का सरकार है कहता है अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, देखिए किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, 40 साल में हाईएस्ट बेरोजगारी है, आज किस तरीके से स्वास्थ्य का एक हालत है कि मुजफ्फरपुर में और गोरखपुर में बच्चे हॉस्पिटल में मर रहे हैं और देखिए किस तरीके से 3 राज्यों में बाढ़ आई है, आपने भी वीडियो देखा होगा, सड़कों में पानी आ गया है, मगरमच्छ घूम रहे हैं और मोदी जी मगरमच्छ पकड़ने अलग जंगल में घुसे हुए हैं। अब समय आ गया है कि मोदी जी को बताया जाए आप जाइए आप मगरमच्छ पकड़िए, आप भालू पकड़िए, देश चलाना आपसे हो नहीं रहा है। साथियों आज इस लड़ाई में जो डीएसएफ लड़ रहा है 7 सालों से, जो एक सेकुलरिज्म का लड़ाई है, जो इक्वल एजुकेशन का लड़ाई है, जो जेएनयू का 283 रुपीज का मॉडल का लड़ाई है, वो लड़ाई को आज हम लोग एक शपथ लेते हैं कि फिर से एक बार उस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरे शिद्दत के साथ लड़ेंगे और चाहे ये भाजपा का लोग हम पे डंडा चलाए, चाहे जेल में डाले, चाहे गोली मारे, हम लोग डटे रहेंगे और हमारे सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए खड़े रहेंगे। यही कहते हुए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, साथी कन्हैया हमारे साथ हैं, मैं बुलाना चाहूंगा साथी कन्हैया को, वो आए और अपनी बात